सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में महाकाल के दर पर लगती है भक्तों की भीड़। जी हाँ, कालों की काल महाकाल के दर्शन मात्र से भक्तों की पीड़ा, व्यथा और अशांति दूर होती है। अल सुबह होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है और विश्व भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं। श्रावण मास में महाकाल मंदिर परिसर में स्थित साक्षी गोपाल के दर्शन करने से भक्त द्वारा महाकाल के दर्शन करने की गवाही होती है। तो चलिए आपको बताते हैं महाकाल मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और काल की दिशा मानी जाती है। इसलिए यहाँ सर्वविदित है कि दक्षिणमुखी महाकाल अपने भक्तों पर यम की और काल की दृष्टि नहीं पड़ने देते। महाकाल के दर्शन मात्र से भक्त काल के भय से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वो उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। सावन मास में प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकाल राजा के रूप में पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उज्जैन में तंत्र क्रिया करने के दूर दराज क्षेत्र से तांत्रिक भी आते हैं और यहाँ तंत्र क्रियाएं करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर परमारकालीन कला की एक अद्भुत कृति है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाल विराजत हैं तो धरातल पर ओमकारेश्वर की स्थापना हुई है, जबकि द्वितीय मंजिल पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है जो वर्ष भर में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलता है, जो कि रात 12 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए दर्शनार्थियों के लिए खुलता है। महाकाल मंदिर के सभा मंडप से लगा कोटी तीर्थ कुंड श्रद्धालु दर्शनार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। राइट नाइन न्यूज के लिए उज्जैन से संवाददाता गगन सिंह परिहार की रिपोर्ट। मैं साल में करीब 4-5 बार, अभी पिछले महीने आया था 25 तारीख को, महाकाल के दर्शन करने के बाद आत्मा को काफ़ी शांति और सुख का अनुभव होता है। यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने से सारी चिंताएँ, सारे कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। श्रावण माह में भगवान महाकाल के लिए जो दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, देश विदेश से आते हैं, उसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की पूर्ण रूप से तैयारी है। और विशेषकर जो कांवड़िए आते हैं, नर्मदा जी का जल लेके आते हैं और जगह जो पवित्र नदियां हैं उनका जल लेके भगवान पे अर्पित करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष व्यवस्था कर रखी है हर साल की तरह। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकाल कर उसकी रक्षा करते हैं। हम सावन मास में भगवान आशुतोष महाकाल की पावन नगरी उज्जैन महाकाल में आते हैं, क्योंकि उज्जैन महाकाल भगवान आशुतोष महाकाल का वो ज्योतिर्लिंग है जहाँ आए हुए सभी भक्तों को मृत्यु का भय नहीं रह जाता। ये भगवान शंकर का दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर दर्शन करने मात्र से इंसान के सभी कार्य संवरते हैं। श्रावण मास में पूरे 4 महीने श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक भगवान महाकाल के हाथ में पूरी सृष्टि का अधिभार रहेगा, पूरी सृष्टि का पालनहार भगवान भोलेनाथ के हाथ में रहेगा।